माई चैनल, मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं आई हूँ ससुराल में। और वो फर्स्ट ब्लॉग से ही आई थिंक आइडिया हो जाता है, क्योंकि लोकेशन वगैरह मतलब देखते देखते लोगों को आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यस, मैं हूँ अपने ससुराल में और ससुराल में है मेरे फंक्शन। बहुत बड़ा लेवल का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सडन ऐसे प्लान मैंने ही किया, मैं सच बोलूँगी। क्योंकि ब्लॉग आपको पता है कि मेरे घर के सभी लोग देखते हैं, मेरे ससुराल के सभी लोग देखते हैं, तो झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं सोशल मीडिया पर आके। सारा प्लान मैंने ही किया है और मैंने सबको यहाँ पर सरप्राइज़ दे दिया। किसी को नहीं पता था, बस घर के बच्चों को पता था और मम्मी को मैंने बोल दिया था कि हाँ आऊँगी। पापा साथ में थे, क्योंकि एक आइडिया हो ही जाता है, तो इस वजह से मैंने मतलब मम्मी को बता दिया था। फिर मैंने कहा था दीदी को मत बताइएगा, दद्दा को मत बताइएगा, किसी को मत बताइएगा, है क्या आप वो आगे ब्लॉग में देखिए। उसका जान भी होगा कुछ लोग, क्योंकि थंबनेल ऐसा लगा है और रील्स भी एक आधी पोस्ट हो चुकी, तो पता चल गया है कि क्या है। तो सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं बता देती हूँ कि यस, मेरी जिठानी की 25th एनिवर्सरी है। सो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपने ससुराल आए हैं। और बस यार, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ लोगों को मिलती हैं, बाकी और किसी का कुछ नहीं। अब देखो ये एनिवर्सरी अगर उनकी हो गई ना, तो कोई कुछ नहीं यार, एनिवर्सरी तो वैसे भी बीत जाती, कोई मनाता तो भी ना भी मनाता, लेकिन जो एक लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें से ना एक दूसरे को खुशी देता ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैंने जैसा हमेशा बोला है और मैं फिर बोलूँगी, पैसे अहमियत नहीं रखते हैं। फोड़ दो मेरा सर, माई बिटिया रानी फोड़ दो सर पर। तो इट्स ओके। तो मैं ये बोल रही थी कि पैसे अहमियत नहीं रखते लाइफ में, रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बिकॉज जब चीज़ें बुरी होती ना, तो रिश्ते ही आपके काम आते हैं। पैसे तो हाँ, ऑलमोस्ट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बस पैसों के साथ साथ रिश्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आज का ज्ञान काफ़ी होगा आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। सो बस चैनल फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें, मुझे प्यार और आशीर्वाद दें। और बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो चीज़ें नेचुरल है, जैसे मैं अपने हर ब्लॉग में दिखाती हूँ, ऐसा बनावटी कुछ नहीं है। सो बस आप ब्लॉग को एंजॉय करिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। काश
जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि सेलिब्रेशन कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं है, बहुत छोटा सा है और सिर्फ आपको इसमें फैमिली के ही लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये रहे मेरे सास ससुर, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ। और यहाँ पर सिर्फ दद्दा ने किसी को इन्वाइट किया था, मुझे नहीं पता था वो कौन है, बाकी सिर्फ गाँव के मेरे अगल बगल के दो चार लोग थे और मैं थी, बाकी यहाँ पर और कोई नहीं आपको दिखेगा। एंड एक चीज़ मुझे बताना है, जैसे मैं अपने ब्लॉग डालती हूँ ना तो एक कमेंट उसमें मैं डेली पिन करती हूँ हर ब्लॉग में कि ब्लॉग कैसा लगा, तो पिछले कमेंट में किसी ने लिखा इम्प्रूवमेंट, तो मुझे किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप लोगों का सजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी दूर दूर तक ब्लॉग देखा जाता है। तो अगर आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे प्यार करते हो, तो सजेशन देना भी आप लोग का एक वो है, तो आप लोग सजेशन दीजिए, मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की और कोशिश करूँगी। और बस इम्प्रूवमेंट कर भी रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसके बाद टीका दद्दा को और दीदी को। और ये रहा मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट जो कि मैंने दिया था, फ़ोन, और फ़ोन भी दिया है, रीज़न से दिया है, रीज़न आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस आप ब्लॉग में बने रहिए, अगर अपडेट आपको मेरे घर की, मेरे लाइफ की जाननी है तो उसके लिए आपको कंटिन्यू ब्लॉग मेरे देखने होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें। वीडियो में डालूँ तो फट से लाइव फट से अपडेट आपके पास आ जाएगी, है ना। इस वजह से मैं बोल देती हूँ बार बार कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे सब लोग ने दद्दा को, दीदी को केक खिलाया, एंड गिफ्ट बहुत लिमिटेड मिले थे, जो गिफ्ट मिले वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो डांस का आएगा, इस उसके बाद वाला ब्लॉग जो आएगा उसमें आपको गिफ्ट बता दी जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं रिवील करने वाली हूँ, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बरगदाई पे अगर ससुराल आती हूँ तो वो चीज़ करूँगी, ठीक है। तो आप ब्लॉग में ज़रूर से ज़रूर बने रहिए, और क्या चीज़ अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और ब्लॉग मेरा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे, आपके कमेंट कराएगा वेट। हाँ, पर आपको सब लोग गांव के ही मेरे बगल के ही दिख रहे होंगे, और वो जो हरी साड़ी में ना, वो दद्दा ने उनको बुलाया था, उनके हस्बैंड को और उनको। अब ये मुझे नहीं पता, शायद दद्दा इनके साथ, मतलब मेरे दद्दा बीजेपी में है, नेता नगरी वाला काम करते ना, तो शायद वो उन्हीं के साथ का कोई है, मुझे ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। ये जो है बच्चा, वो दद्दा के साथ ज्वाइन थी, वो उनका बच्चा उनके साथ आया था, मुझे नहीं पता कौन है। और ये रहा उधर येलो टी शर्ट में हमारा भांजा। एंड यहाँ पे मैं जो नए लोग जुड़े हैं ना उनको मैं बताती हूँ फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि लोगों को फैमिली के मेम्बर्स का पता रहता है तो ब्लॉग देखने में और इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बेटे हैं और ये लोग भी खिला रहे थे, एंड आगे मैं और भी फैमिली के मेम्बर्स को आप मिलाऊँगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जान लीजिए कि मेरी फैमिली कैसी, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरी फैमिली में मतलब कैसे क्या कितने लोग रहते हैं, वही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और तो बस यहाँ पे सब लोग ऐसे ग्रुप में फ़ोटो खिंचा रहे थे, और हम लोग यहाँ बोल रहे थे कि तुम्हारा नाड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये अपने कपड़े नहीं लेकर आए थे, सीतापुर में रहते हैं और ससुराल जो हमारी गाँव में है जमलापुर, तो इसलिए आपको मतलब इतना वो देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये है इनकी दोनों बड़ी बेटियाँ, मैरून सूट वाली जो है वो बड़ी बेटी है, ब्लैक सूट में जो है वो छोटीली बेटी, तो ये इनकी फैमिली है। और ये रही हमारी नंद, पेयर फराक वाली, इस गाने में उन्होंने बहुत डांस किया है। इसके बाद आपको बैक टू बैक रील्स देखने को मिलेंगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे एंड इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह, ठीक है। और ये रही हमारी देवरानी श्री अर्चना, जिनको केक खिलाते हुए और बड़ा ज़बरदस्त डांस किया है हमने, इन्होंने सब ने, लेकिन वो आपको इस पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना होगा। और यहाँ पे रही मैं, हमने सोचा चलो हम भी ग्रुप में फ़ोटो ले ले, ग्रुप में वीडियो बन जाए। एंड यहाँ पे हम सब ने पैर छुआ, केक खिलाया, क्योंकि मैं इतना एक्साइट हो गई थी, एक्साइटमेंट मेरा लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आपने देखा मैंने टीका करने के बाद तुरंत फ़ोन दे दिया, ना मैंने केक खिलाया ना कुछ, तो वही मैंने कहा नहीं आ रही चलो खिला उला देते हैं। और ये भी दद्दा के ही जानने वाले कोई हैं, या किसी को पता हो तो बताना, बिट्टू अंशी का एक जो भी जानता हो, मुझे तो नहीं पता कौन थे। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, खाना सारा दीदी ने बनाया, बस हम लोग मैं पूरी बना रही, दीदी इधर बेल रही है और बस तल लेते हैं अभी, उधर चल रहा फोटोशूट, क्योंकि खाने के लिए लोग बैठे ना, फटाफट से बना लेते हैं, पूरी बनाना है तो पहले बोल रही हूँ। चावल है ना, ये लो, ये लो।
कटोरी नहीं हो पाएगा। बाबा को पहले निकाल देंगे। बस करो भैया तुम्हारी वीडियो। हाँ किस क्लास में? किस क्लास में? होने जा रही खाना खाने की तैयारी। और खाना खाने में सिर्फ घर के ही लोग थे और ये दद्दा के साथ जो दद्दा के दोस्त थे ये सिर्फ बाहर से आए थे, बाकी सब लोग घर के थे। खाने में था चावल, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दही बड़ा, खीर, पूड़ी, इतना था खाने में बना हुआ। बाकी बस अभी ढोलक बज रही, इंजॉय हो रहा है। जैसा कि खाना सारा बन चुका था बट लास्ट वाला ना पूड़ी उड़ी निकालना और देना, सर्व करना, वो सब कुछ ड्यूटी हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि भाई एनिवर्सरी गर्ल को आराम भी तो चाहिए ना। और वैसे भी उन्होंने बहुत काम कर लिया था आज, तो बिट्टू और अंशिका को करना चाहिए बट इन्होंने किया नहीं था, या शायद दीदी ने मना कर दिया था। बट मैंने कहा नहीं, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं तुझे आराम करवा देती हूँ। एवरीवन, तो यहाँ पर जो है खाना पीना ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ घर की जितनी लेडीज़ हैं वो बची हैं। यहाँ पर मैं बना रही चाय और दीदी हमारी बैठी हुई है। कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है, जरूर से जरूर। अभी इनका पूरा फूल अच्छे से आप लोगों को लुक दिखाएंगे, उससे पहले दिखा देते हैं चाय हमारी बन चुकी है। एंड अब चलते हैं जो महिला मित्र महिलागढ़ है हमारी ढोलक बजा रही, उनके लिए चाय लेकर चलते हैं। चाय मस्त एकदम कलर देखिए। आप सब सोच रहे होंगे खाना तो चल रहा था फिर चाय क्यों बन रही। चाय इसलिए बन रही क्योंकि जो लोग ढोलक बजा रही थी ना उन सबके लिए चाय बन रही थी और मेरा भी चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे सबका चाय पीने का मन हो रहा था, इस वजह से चाय बनी। गाइस हमारी चाची ने बहुत काम किया यार। या आई नो।